नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार उमराव, एसोसिएट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर चौधरी सिन्हा सिंह सांडिल पीजी कॉलेज माचरा। आज हम अलंकृत बागवानी से संबंधित एक ऐसे कंपोनेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसके बिना कोई भी अगर हम बागवानी करना चाहते हैं तो उद्यान में सुंदरता बढ़ाने के लिए ऐसे पौधों की आवश्यकता पड़ती है जिनसे जल्दी से जल्दी कोई बाग सुंदर दिखने लगे। इसके लिए हम सीजनल फ्लावर का उपयोग करते हैं। सीजनल फ्लावर एक ऐसे कंपोनेंट हैं जिनसे हम बाग में, अगर सीजनल फ्लावर नहीं है तो किसी भी उद्यान में उतनी सुंदरता निखर के नहीं आती जब तक उसमें कोई रंग बिरंगे फूल ना लगे हों। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कशन और अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले कि सीजनल्स या मौसमी फूल हम किसे कहते हैं। मौसमी फूल क्या है? मौसम, जो ऐसे फूल जो किसी एक निश्चित मौसम में फूलते हों, ऐसे पौधों को हम मौसमी फूल कहते हैं। ये ज़्यादातर शाकीय नेचर के होते हैं और ये अपना जीवन चक्र एक मौसम, एक सीजन या एक साल के अंदर ही पूरा कर देते हैं, यानी 3 से 6 महीने में इनका जीवन काल पूरा हो जाता है। और ये ऐसे पौधे होते हैं जो किसी उद्यान में लगाने से डेढ़ महीने से लेके 2 महीने या 2.5 महीने में उसमें किसी उद्यान में 4 चांद लगा देते हैं। इनका यूज क्या है? इनको हम क्यारियों में लगा सकते हैं मास इफेक्ट बनाने के लिए, जहाँ पे इकट्ठे लगाना होता है फूलों को वहाँ पे लगाते हैं। एजिंग पर्पज के लिए लगाते हैं, किनारी बनाने के लिए, या सुरक्षा के लिए बाड़ बनाना हो फूलों वाली उसके लिए लगाते हैं, या घर में या कहीं हैंगिंग बास्केट लगाना है उनमें भी लगा सकते हैं। और कट और लूज फ्लावर माला बनाने के लिए, मंदिर में पूजा के लिए, इत्यादि कार्यों के लिए लूज फ्लावर और गुलदस्ते बनाने के लिए कट फ्लावर। इसके अलावा इनका कुछ मेडिसिनल यूज भी होता है, जैसे गेंदा है, गेंदा के पत्तियां जो होती हैं एरोमेटिक होती हैं, डाइजेस्टिव होती हैं, मूत्रवर्धक होती हैं और इम्यूनिटी इनहांसर होती हैं। इनका उपयोग करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। कैलेंडुला होता है उसका तेल निकालते हैं जो एंटी फंगल होता है। वर्बीना का उपयोग, गले में अगर कोई सूजन आ गई है तो वर्बीना का उपयोग भी लाभप्रद होता है। पिटूनिया भी पाचक होती हैं और कफ और कोल्ड के, खांसी और जुखाम के लिए उपयुक्त होती हैं। क्योंकि सीजनल फ्लावर में पुष्पों की संख्या बहुत अधिक है और एक एक पुष्प को अलग अलग अध्ययन करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इनको हम उद्देश्य के अनुसार एक ग्रुपिंग करते हैं, एक समूह में बांटते हैं। तो पहला समूह होता है बेडिंग पर्पज के लिए या क्यारियों में लगाने के लिए उपयुक्त पौधे, जिनमें डहलिया है, गेंदा है, फ्लाक्स है, वर्बीना है, पेंजी, जीनिया इत्यादि। सुगंधित फूलों के लिए है कार्नेशन है, स्वीट पी है, एलाइसम है। कट फ्लावर के लिए कार्नेशन है, हेलिक्राइजम है, एंटी राइनम है, अफ्रीकन मैरीगोल्ड है। लूज फ्लावर के लिए मैरीगोल्ड है, एनुअल क्राइजेंथिमम है, एस्टर है, पोर्चुलाका है। अगर हेज बनाना है उसके लिए ऊंचे पौधे उपयुक्त होते हैं जिनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, जैसे हाली हाक है, स्वीट पी है, सनफ्लावर है, टिथोनिया है इत्यादि। और क्यारी के किनारे अगर हम किनारी बनाना है छोटे पौधों की, तो उसके लिए छोटे आकार का मैरीगोल्ड, जिसको हम फ्रेंच मैरीगोल्ड या डॉट मैरीगोल्ड कहते हैं, कैंडी टफ्ट है, पेंजी इत्यादि उपयुक्त होते हैं। अगर हमें गमलों में लगाना है उसके लिए कार्नेशन है, एंटी राइनम है, पिटूनिया है, मैरीगोल्ड, कैलेंडुला इत्यादि पौधे उपयुक्त होते हैं। अगर हमें पुष्प सुखा के रखना है, बिल्कुल सुखाने के बाद उनका कलर वैसा ही बना रहता है, उसके लिए सबसे उपयुक्त पौधा होता है हेलिक्राइजम और दूसरा है एक्रोक्राइनम, जो
सूखे पुष्पों के लिए बहुत उपयोगी। इसके पुष्प हम सुखा करके रख सकते हैं और दूसरे सीजन में पूरे वर्ष इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह एक ग्रुप है इनकी कठोरता के आधार पर, इनकी कठोरता नापी जाती है वो कितनी ठंड को सहन कर सकते हैं। ऐसे में जो ज़्यादा ठंड को सहन करने वाले पौधे होते हैं उनको हम हार्डी एनिमल कहते हैं। जो फ्रास्ट तो नहीं लेकिन फाले तक की क्षमता को सहन करने की क्षमता रखते हैं। इसी तरह हाफ हार्डी एनिमल होते हैं जो ठंडी जलवायु ठंडा मौसम तो टॉलरेट कर जाते हैं लेकिन पाला टॉलरेट नहीं कर पाते। टेंडर एनिमल जो ज़्यादातर गर्मियों में उगते हैं ये जाड़े में सर्वाइव नहीं कर पाते। इसी तरह एक ग्रुप है उनके पुष्पन क्या, कौन से पुष्प जल्दी फूलने वाले होते हैं, कौन से पुष्प देर से फूलने वाले होते हैं। इनमें से अर्ली ब्लूमिंग होते हैं जो जल्दी फूलने वाले होते हैं वो उनमें सबसे ज़्यादा उपयुक्त है कैंडीटप, लगाने के एक महीने के अंदर अंदर उसमें फूल आने लगते हैं। इसी तरह लेट ब्लूमिंग जिनमें लेट फूल आते हैं उनमें हाली हाक है, पापी है, नस्टर्सियम है, सिनेरेरिया इत्यादि पौधे, इनमें लेट फ्लावरिंग आती है। इसी तरह सीजन के अनुसार जो हमारे लिए उपयुक्त है इसी सीजन के अनुसार ही हम इनको ग्रो करते हैं। ऐसे मौसमी फूल जो जाड़े में उगाए जाते हैं उनको हम विंटर सीजन एनुअल कहते हैं या कूल सीजन एनुअल कहते हैं। ये सबसे बड़ा ग्रुप है, इसमें बहुत सारे पौधे हैं और ये सितंबर में इसके बीज बोए जाते हैं, अक्टूबर में इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं और ये फरवरी से लेकर मार्च तक इसकी इन पौधों में फ्लावरिंग आती रहती है। इसी तरह एक ग्रुप है गर्मी वाला समर सीजन या वार्म सीजन एनुअल्स, इनको हम मार्च अप्रैल में इसकी नर्सरी बो देते हैं और अप्रैल से जुलाई तक इसमें फूल आते रहते हैं। इनमें गर्मी के लिए सबसे उपयुक्त होता है जीनिया है, कोचिया है, पोर्चुलाका है जिसको 9 o'clock कहते हैं, गैलाडिया है, गाम्फरीना है, कास्मस है। इसी तरह बरसात में उगाए जाने वाले सीजनल पौधों में जो नवंबर तक फूल देते रहते हैं ये इनमें है गुलमेहंदी है, काक्सकाम्ब है, अमरेंथस है, गैलाडिया है। इसी तरह अगर कोई हर्बेसियस बॉर्डर बनाना होता है, जब हमें कोई साकी किनारा बनाना होता है उस समय हमें ऊंचाई के अनुसार सीजनल्स की आवश्यकता पड़ती है और जाड़े में क्योंकि सबसे ज़्यादा सीजनल्स होते हैं, नंबर ऑफ सीजनल्स की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसमें हम टाल मीडियम और ड्वार्फ में भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। जिसमें टाल एनिमल जिनकी ऊंचाई 75 सेंटीमीटर या इससे अधिक होती है इनमें होता है हाली हाक है, डेजी है, एस्टर है, स्वीट सुल्तान है, कार्न फ्लावर है, एनुअल डहलिया, लार्क स्पर, पापी, स्ट्रा फ्लावर, स्वीट पी, बिल्सा फार्न आयरलैंड, टिथोनिया। इसी तरह मीडियम फ्लावरिंग एनुअल्स में जिनकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर होती है इनमें से एंटीराइनम है जिसको हम स्नैपड्रैगन कहते हैं, एक्रोक्लाइनम है, ब्रावेलिया है, पार्ट मेरी गोल्ड यानी कैलेंडूला है, चाइना एस्टर है, निमेसिया। और जो छोटे कद वाले सीजनल्स जाड़े के होते हैं उनमें इनकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर से कम होती है, इनमें स्वीट एलाइसम है, फ्लास फ्लावर है, कैंडी टफ्ट है, आइस प्लांट, फ्लाक्स, नर्स्टर्सियम, वर्मीना, पेंजी इत्यादि पौधे ड्वार्फ ग्रुप में आते हैं। इनको हम कैसे उगाते हैं, ज़्यादातर हम जितने भी सीजनल्स हैं सब हम इन्हें बीज से उगाते हैं, ज़्यादातर बीज से उगाए जाते हैं। लेकिन इनमें अगर कुछ सीजनल ऐसे होते हैं जिनके बीज बड़े आकार के होते हैं उनको हम सीधे क्यारियों में भी बो सकते हैं, नहीं तो छोटे सीड वालों को हम नर्सरी तैयार करके पौध तैयार करने के बाद उसको क्यारियों में या गमले में ट्रांसप्लांट करते हैं। अगर हम देखें तो रेनी सीजन के जो एनुअल्स होते हैं इनकी हम नर्सरी जो सोइंग करते हैं वो जून में करते हैं और इनको हम क्यारियों में या गमले में जुलाई में लगाते हैं और इसमें फूल अगस्त से अक्टूबर तक आते हैं। इसी तरह जाड़े वाले जो फूल होते हैं जो मैदानी इलाके हैं इसमें हम नर्सरी में बीज सितंबर में बोते हैं और ट्रांसप्लांटिंग अक्टूबर में करते हैं और फ्लावरिंग इसमें नवंबर से मार्च तक होती रहती है। गर्मी वाले जो सीजनल्स हैं उसमें सीड सोइंग हम फरवरी मार्च में करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग मार्च अप्रैल में करते हैं और
इसमें फ्लावरिंग अप्रैल से सितंबर तक चलती है, यानी जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो वो नर्सरी में जब पौध 4 से 6 पत्तियों की हो जाती है या 30 से 35 दिन की पौध हमें लगाने योग्य होती है। तो इसके लिए अगर नर्सरी हमें तैयार करना है तो सबसे पहले तो हम उसे वेस्ट बेड बना दें ज़मीन से थोड़ा उठी हुई, जिससे पानी का भराव ना हो। तो इसमें 15 सेंटीमीटर ज़मीन से ऊंची क्यारियां बनाते हैं जिसको हम नर्सरी बेड कहते हैं, या तस्तरी में उगा सकते हैं। इससे पहले कि बीज बोएं हम उसको बीज को कैप्टान 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम उसको ट्रीट कर लेते हैं। इसी तरह जो नर्सरी की मिट्टी है उसको हम फॉर्मेल्डिहाइड से भी फ्यूमिगेट कर लेते हैं, जिससे उसमें कोई बैक्टीरिया फंगस है तो वो मर जाए, क्योंकि अगर उसमें बैक्टीरिया या फंगस है तो उसमें एक बीमारी होती है डैम्पिंग ऑफ, जो बीज जमने के पहले भी लग जाती है और नष्ट कर देती है, कभी कभी जीव बीज जमने के बाद इसको हम पोस्ट इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ कहते हैं, वो लग जाती है और बीज ज़मीन के ऊपर निकलते ही पौधा समाप्त हो जाता है। तो उसके लिए हमें फॉर्मेल्डिहाइड से मिट्टी को ट्रीट करना चाहिए। बीज हमें नर्सरी में बहुत ही पतली लेयर में, क्योंकि बीज इसके छोटे होते हैं, इसलिए पहले इसको हम थोड़ी सी मिट्टी या बालू में मिला करके फिर नर्सरी में बिखेरते हैं लाइन से या छिटकमा, जैसे भी बोना चाहते हैं उस हिसाब से। तो इसको बहुत ही पतली लेयर के हिसाब के रूप में बोने के बाद उसमें एक लेयर पत्ती की खाद की या पत्तियों की बिछा देना चाहिए, जिससे उसमें नमी बनी रहे और गर्मी बनी रहे, जर्मिनेशन अच्छा होता है। लेकिन जिन पौधों में बीज बड़े होते हैं उसमें डायरेक्ट भी सीधे क्यारियों में बीज उसके बो सकते हैं, जैसे स्वीट पी है, हाली हाक है, कैलेंडूला है आदि पुष्पों के बीज ज़्यादा बड़े होते हैं, इसको हम डायरेक्ट सोइंग में भी उपयोग कर सकते हैं। जब हम क्यारियाँ तैयार करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, उससे ट्रांसप्लांटिंग के पहले देखते हैं कि जब हम जर्मिनेशन होता तो कई बीज एक साथ की छोटे बीज होने की वजह से एक जगह गिर जाते हैं, तो पौधों की संख्या एक ही जगह बहुत सारी उगाती है। तो इसके लिए हमें थिनिंग करना आवश्यकता होती है। थिनिंग करके हम पौधों का बिरलीकरण कर देते हैं और पौधे दूसरी जगह लगा देते हैं, जिससे पौधे भी सुरक्षित बने रहें और उनको बढ़ने के लिए स्पेस मिल जाए। इसी तरह जब हम नर्सरी से पौधा ट्रांसप्लांट करने के लिए ले जाते हैं, उससे पहले हमें, क्योंकि नर्सरी ज़्यादातर छायादार स्थान में होती है, सुरक्षा के लिए उसमें प्रोटेक्शन या तो टनल लगाते हैं या ऊपर से कोई ऐसे शेल्टर लगाते हैं जिससे सीधी धूप ना पड़े। लेकिन जब हम नर्सरी की पौध फील्ड पे ले जाते हैं जहाँ सीधी धूप आ रही है, तो वो एकदम से सर्वाइव नहीं कर पाते धूप में, इसलिए इससे पहले उखाड़ने के हमें उसे हार्डनिंग ऑफ करना पड़ता है, यानी कठोरता प्रदान करना पड़ता है। उसके लिए हमें जिस दिन पौध उखाड़नी हो उसके 2 दिन पहले पानी की सिंचाई रोक देना चाहिए, जिससे उसमें उसको क्षमता आ जाती है कि हम एडवर्स कंडीशन में भी पनप सकते हैं। इसी तरह एक होता है प्रिकिंग। प्रिकिंग शब्द तो यूज करते हैं जब हम, क्योंकि नर्सरी में बहुत सारे बीज होते हैं, बहुत सारे पौधे आपने नर्सरी में एक साथ उगा रखे हैं नर्सरी, तो उनसे एक एक पौधे या तो ये ट्रे आती हैं प्रोट्रेज, उनमें लगा लें, या मिट्टी के आजकल छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं उनमें लगा करके अलग कर लेते हैं, जिसको हम प्रिकिंग कहते हैं। ये 3 से 4 पत्ती की स्टेज पे कर देना चाहिए और इससे दूरी भी बढ़ जाती है और उसको पौधे को अच्छी ग्रोथ करने का मौका मिल जाता है, अच्छी फाइबरस जकड़ा जड़ें पैदा हो जाती हैं, इसलिए प्रिकिंग भी करना आवश्यक होता है। लगाने के लिए हम जैसे ही ले जाएंगे बेड में ले जाते हैं, बेड पहले तैयार कर रखा है, उसमें बढ़िया भुरभुरी मिट्टी खाद पत्ती की खाद आदि मिला करके जब क्यारी तैयार होती है, या गमले पे लगाना होता है वहाँ पे 4 से 6 पत्ती वाली पौध या 5 से 6 सप्ताह की, यानी 30 से 35 दिन की जो पौध होती है वो हमें फील्ड में लगाने के लिए उपयुक्त होती है। लगाने के तुरंत बाद हमें हल्की सिंचाई करना चाहिए, जिससे वो मिट्टी बैठ जाए और पौधे आसानी से ग्रो कर जाएं।
पौधे हमेशा हमें शाम के समय लगाना चाहिए, सुबह लगाने से सर्वाइवल कम हो जाता है। जो लंबे पौधे होते हैं जो ऊंचाई तक बढ़ने वाले, उसमें हमें पौधों में सहारा भी देने की आवश्यकता होती है, जिसको हम स्टेकिंग कहते हैं। खाद पानी, खाद नर्सरी में से पौधे क्यारियों में लगाने के बाद उसमें हमें ज़्यादातर कंपोस्ट ही डालना चाहिए। कंपोस्ट सबसे अच्छी का ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बजाय हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जिसमें फ्रेश मैन्योर हो या हाफ रॉटेड मैन्योर कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कच्ची गोबर की खाद या आधी कच्ची गोबर की खाद उपयोग करते हैं तो क्यारियों में दीमक का प्रकोप बढ़ जाता है। सीड कलेक्शन, साल भर मौसम में फूल आने के बाद, उसकी सुंदरता के बाद, हम चाहते हैं कि अगले सीजन के लिए हम फूलों को एकत्र, बीजों को एकत्र करके रख लें, जिससे हमें अगले साल नए बीज न खरीदने पड़े और हम अपने बीज बो करके ही अपनी नर्सरी समय से तैयार करके अपने गार्डन तैयार कर लें। तो उसके लिए हर पौधे में, क्योंकि क्लाइमेट के अनुसार हैं, जो जाड़े वाले पौधे हैं उनमें अप्रैल तक बीज तैयार हो जाते हैं, यानी गर्मियों में जब शुष्क मौसम होता है, ये सबसे बड़ा ग्रुप है। इसके लिए लंबा ठंडी का सीजन और ड्राई सीजन उपयुक्त होता है। जो गर्मी का सीजन होता है और जाड़े के सीजन वाले एनिमल्स होते हैं, गर्मी में बीज इसलिए कम हो पाते हैं क्योंकि ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं, तेज़ धूप होती है, जिससे उसमें अच्छी तरह पालिनेशन नहीं हो पाता। तो गर्मियों के बीजों में बीज उत्पादन और जाड़े उसमें बरसात के पौधों में बीज उत्पादन थोड़ा कठिन होता है। जो बरसात के पौधे हैं उनमें बरसात की वजह से पालन ग्रेन या पालिनेशन पर्याप्त तो नहीं हो पाता, इसलिए वो पालिनेशन कम होता है, इसलिए और बीज कम बनते हैं। अगर हम बीज इकट्ठा करना चाहते हैं तो किसी भी पौधे के हमें उसमें कौन किस प्रकार का परागण होता है, ये जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अगर कोई स्वपरागित है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप उसको देख सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये स्वपरागित है या परपरागित फसल है, तो उसके लिए आप घर में ये देख सकते हैं कि फूल में ही उसमें पॉलीथीन या कागज़ से ढक दो। अगर उसमें बीज बन जाते हैं, यानी इसके मान ढकने के बावजूद भी अगर बीज बनते हैं तो वो सेल्फ पॉलिनेटेड है, स्वपरागित फसल है। और अगर बीज नहीं बनते तो इसका मतलब है वो परपरागित है, उसको हम हाथ से पॉलिनेशन उसमें पहुँचाएँ या कीटों द्वारा पहुँचे तो उनमें हमें ढकने से बीज नहीं बनेंगे। जो अगर परपरागित फसल है तो उसमें नहीं ढकना चाहिए, और स्वपरागित है तो हम ढक के भी शुद्ध बीज प्राप्त कर सकते हैं। और जिन पौधों से हमें बीज उत्पादन करना, कोशिश करें कि वो आइसोलेशन में रहें, दूर रहें, जिससे कभी कभी देखा गया ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेटेड जो क्रॉप होती है उनमें भी क्रॉस पॉलिनेशन होने की संभावना रहती है। तो अगर आइसोलेशन पृथककरण दूरी मेंटेन रखते हैं तो क्रॉस ब्रीडिंग की संभावना कम होती है, मिक्सिंग की कम होती है और शुद्ध बीज उत्पादन होता है। कब हम करें, कैसे करें, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें बीज उसमें जो फल बनते हैं वो फल या उसकी पाट किस प्रकार की होती है। इनमें देखा होगा जैसे पापी है, बालसम है, इनमें कैप्सूल बनती है, जिनको अगर बालसम में तो जैसे ही टच करोगे वो, इसीलिए उसमें टच मी नॉट कहते हैं, वो फट जाती है तुरंत, उसके बीज दूर तक बिखर जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, जो स्वीट पी है वो पाड है, फली है। जब कब करना चाहिए, जब आपको लगे कि हाँ बीज पक गए, इसकी फली पक गई, उस समय उसको, उसके फली को फटने के पहले ही उसे
बड़े ही धैर्य के साथ तोड़ के रख लेना चाहिए। अगर आप जल्दी में तोड़ोगे, कई बार होता है ऐसी फलियां होती हैं जिसको टच करोगे तो वो फट जाती हैं, जैसे पेंजी की है, बालसम की है, तो इनकी फलियां छूते ही फट जाती हैं और बीज बिखर जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि बड़े धीरे से उसकी फली को हमें तोड़ना है और कागज़ की या पॉलीथीन की पन्नी में भर लेना है। भरने के बाद उसे हम छाया में बीजों को सुखा लेते हैं अच्छी तरह, जिससे कोई नमी ना रह जाए, और इस तरह कुछ पौधों में देखते हैं जो फूल फूलने के बाद सूखते जाते हैं, उन्हें भी हम तोड़ तोड़ के रखते जाते हैं फूल, जिसको हम डेड हेडिंग कहते हैं। डेड हेडिंग यानी सूखे हुए फूल, मुरझाए हुए फूलों को हमें तोड़ के अलग करना। उससे दो काम हो जाते हैं, एक तो मुरझाए हुए फूल पौधे में लगे होते हैं तो पौधे की सुंदरता कम हो जाती है, तो उससे हम समय समय पर तोड़ते रहते हैं, और वही फूल हम बीज के लिए उपयोग करते हैं, उसको हम डेड हेडिंग कहते हैं। तो डेड हेडिंग करते टाइम भी हम पौधों को फूलों को एकत्र कर सकते हैं। जब पौधे फूल कुछ क्रश होते हैं, कुछ में पत्तियां आ जाती हैं, तो उसको हमें फूलों को छान करके जो कूड़ा करकट है उसका अलग करके, स्वच्छ बीज अलग करके छाया में सुखा लेना चाहिए, और सुखाने के बाद हमें पॉलीथीन की पन्नी में या कागज़ की पन्नी में इस तरह पैक करके फिर किसी एयर टाइट जार में ये पैकिंग डाल देना चाहिए। एयर टाइट पैकिंग के अंदर भी हम सिलिका जेल या कैल्शियम क्लोराइड के पैकेट डाल देते हैं जो डेसिकेंट का काम करते हैं, यानी नमी सोखने का काम करते हैं, जिससे अगर उसमें नमी बची हुई रह गई है तो वो उसको सोख लेती है और बीज खराब नहीं होते। इसको स्टोर करने के लिए हमें लगभग वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी कूल एंड ड्राई प्लेस, जहाँ ठंडा स्थान हो और शुष्क स्थान हो, वहाँ पे हमें इसे स्टोर करना चाहिए। थैंक्स। इसके बाद अगली स्लाइड में हम इन एनिमल्स को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हम उगाते रहते हैं, फूल देखते हैं, लेकिन उसका नाम नहीं जानते, वो किस कितने कलर के फूल आते हैं, किस सीजन का है, ये पहचानने के लिए अगला लेक्चर होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप धैर्य रखें। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए आप लाइक करें और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।